रसोई में आज आप लोगों का स्वागत। आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन आलू और सेम की पंचमहल सब्ज़ी। पंचमहल सब्जी के लिए मैंने 250 ग्राम सेम लिया है, जिसके धागे के दोनों तरफ के धागे को इस तरह से कट कर लिया है। उसके बाद दो टुकड़े में इसे कट किया है। एक बैंगन लिया है जिसको स्लाइस में कट कर लिया है। आलू को खूब अच्छी तरीके से धुल लिया है, धुलने के बाद कट कर लिया है इस तरह का। दो टमाटर लिया है जिसको चॉप कर लिया है। दो मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। दो चम्मच लहसुन पेस्ट, दो बड़े चम्मच से प्याज पेस्ट, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी मेथी। अब सबसे पहले कढ़ाई को गर्म कर लेती हूँ। तो कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें तेल डाल रही हूँ। ये सरसों का तेल है। सेम आलू बैंगन बना रही हूँ तो थोड़ा ज़्यादा तेल डाल रही हूँ। यह है मसालों को ऐड कर दें। सारे मसाले को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। खूब अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे ताकि प्याज और लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। मसाला पक चुका है, इसमें टमाटर को भी ऐड कर लेंगे। टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे, उसके बाद सेम आलू को इसी में भून लूँगी। आलू को भून लेंगे, तेल डाल देंगे। बैंगन को भी नहीं डाल दिया तो साथ ही बैंगन को भी भून लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे। पानी लगा लिया है, इसमें ग्रेवी, हल्की सी ग्रेवी लगाया ताकि इस आलू से इसमें गल जाए। गलने के बाद लटपट जाएगा तो इसको ढक दिया है। 10 मिनट के बाद इसको उतार लूँगी। देखें मेरे बैगन आलू सेम सब्जी की पंचमहल सब्जी तैयार हो चुके हैं। थोड़ी सी धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू, शुक्रिया। कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।